आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहां होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अकोला पुलिस दल की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से 520 वाहनों की पड़ताल की गई, जिनमें 134 वाहन सवार अनावश्यक रूप से घूमते पाए गए, जिनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई में उनसे 56,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी का गुरुवार को तबादला हो गया। अकोला मनपा के आयुक्त पद पर मुख्याधिकारी गुट ए के डॉक्टर सुनील लहाने की नियुक्ति की गई। नगर विकास विभाग की उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी छापवाले ने राज्यपाल के निर्देश पर उनकी नियुक्ति का पत्र 6 जुलाई को जारी किया। अकोला केंद्रीय बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड दोनों ST निगम नई ST बसें मिलने का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं। ST निगम के अकोला डिवीजन द्वारा लगभग 200 बसों का प्रस्ताव निगम को भेजा गया है और डिवीजन को पहले चरण में केवल 10 बसें मिली हैं। अन्य 190 बसें अकोला डिपो में कब आएगी ये तो अब भगवान ही जाने, ऐसी चर्चाएं डिपो ऑफिस में हो रही है। रेलवे स्टेशन के फोर व्हीलर पार्किंग का ठेका हुआ रद्द। वाहन चालकों की बढ़ती शिकायतों के बाद बुधवार 5 जुलाई से अकोला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चार पहिया वाहन पार्किंग अनुबंध रद्द कर दिया है। नए ठेकेदार की प्रक्रिया भुसावल विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी तथा ठेकेदार की नियुक्ति तक चार पहिया वाहन पार्किंग में पार्किंग निःशुल्क रहेगी। तमिलनाडु के ताम्बरम से झारखंड के धनबाद के लिए ताम्बरम विशेष ट्रेन की एक फेरी 7 से 11 जुलाई के बीच पूर्ण की जा रही है। ये ट्रेन आज रात ताम्बरम से रवाना होगी, जो रविवार की रात 2 बजे अकोला पहुंचेगी और अकोला से होते हुए सोमवार की सुबह 5:30 बजे धनबाद पहुंचेगी। पावर बाय अनवी एंटरप्राइजेस, बच्चों के लिए बैटरी बाइक, कार, झूला, ट्राइसिकल, वॉकर, न्यूबॉर्न एसेसरीज, स्पोर्ट्स आइटम और सभी प्रकार के खिलौने एक से बढ़कर एक, वह भी कम दाम में। बच्चों को खुशियां बांटने वाला शोरूम, पता अकोला का मेन मार्केट अलंकार मार्केट, तिलक रोड, अकोला। नागपुर, मुंबई, अकोला सहित अन्य महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव आगामी सितंबर और अक्टूबर महीने में हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। कल चुनाव आयोग की ओर से एक अधिसूचना भी जारी की गई है। मराठी पत्रकार परिषद से संलग्न अकोला जिला पत्रकार संघ की ओर से शनिवार 8 जुलाई को सुबह 11 बजे स्थानीय पत्रकार भवन के पन्नालाल शर्मा सांस्कृतिक सभागृह में पत्रकारों के मेघावी छात्रों का सत्कार किया जाएगा। इस अवसर पर दिवंगत पत्रकार के छायाचित्र भी पत्रकार भवन में लगाए जाएंगे। आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए शासकीय छात्रावास क्रमांक 1 और 2 में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस छात्रावास में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है। कक्षा 11वीं, डिप्लोमा, डिग्री, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए www.swayam.mahaonline.gov.in इस वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरें। राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को जल्द यूनिफॉर्म और जूते मोजे देने के फैसले को जल्द अमल में लाने के लिए अब शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध राज्य की निधि का उपयोग करने का निर्णय किया है। गुरुवार को इससे जुड़ा शासनादेश जारी किया गया। प्रदेश सरकार ने मुंबई सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड कोंकण एक्सप्रेसवे के अंतिम अलाइनमेंट को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एक्सप्रेसवे 388.45 किलोमीटर लंबा होगा, जो रायगढ़ और रत्नागिरी जिले से गुजरते हुए सिंधुदुर्ग तक जाएगा। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के तर्ज पर कोंकण एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। को स्पॉन्सर सारदा करियर पॉइंट, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र LRT कॉलेज के पास अकोला। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।